हेलो माय ऑल डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि लर्नर्स आप सब लोग जानते ही होंगे कि मैं आपको बिजनेस कॉमर्स के ऑल सब्जेक्ट्स के लेसन प्रोवाइड कर रही थी, मैं आपको कॉमर्स के ऑल सब्जेक्ट्स के लेसन प्रोवाइड कर रही थी, चाहे वो आपका अकाउंटेंसी हो या फिर वो आपका बिजनेस स्टडी हो या फिर आपका वो इकोनॉमिक्स हो, सबके प्रोवाइड कर रही थी। अब इसके बाद मेरा जो क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का टॉपिक चल रहा था वो था मेरा चैप्टर नंबर 2, जो कि थीम था मेरा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरा चैप्टर चल रहा था। तो लर्नर्स बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत लेंथियर चैप्टर था, लेकिन इस बात की एक मुझे खुशी है कि आज ये चैप्टर के सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। आज की वीडियो लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, जो कि आपके बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल स्टार्टिंग अप ऑफ अ बिजनेस। आप ये चैप्टर की ये हेडिंग कर लोगे, मतलब ये आप टॉपिक कर लोगे, तो इसके बाद फिर कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपका बच जाएगा। हर एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर टॉपिक मैंने आपको अपने चैनल पे समझाया है। मैं ये कह सकती हूँ दावे के साथ, अगर आप मेरे चैनल से पढ़ोगे तो बिजनेस में या और किसी सब्जेक्ट में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा। आप कोई भी बुक उठा के देख लो, आप टीएन छाबड़ा, संध्या छाबड़ा की उठा के देख लो, आप वी वासन की देख लो, आप ग्रेवाल की देख लो, किसी की भी देख लो या कोई सैंपल पेपर देख लो, मेरे चैनल लेक्चर्स के अलावा कोई और टॉपिक बचेगा ही नहीं। तो आज का ये लास्ट टॉपिक है, फिर कल की वीडियो में मैं आपको विजुअलाइज्ड भी रिवीजन करवाऊंगी, मतलब एक वीडियो में आपको मैं समअप भी दूंगी, आपकी ऑनलाइन समअप, और मैं आपको कल की वीडियो में पूरे चैप्टर की एक बार समरी करवा दूंगी कि आपने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, ताकि एक बार आपको अच्छे से हर चीज क्लियर हो जाए। फुल 2 रिवीजन चैप्टर 2 का करवा दूंगी, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप एक भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स को हम अपने ध्यान में रखें जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्टअप कर ले, यानी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें ऐसे कौन से फैक्टर्स को मद्देनजर रखना होता है। तो इसका जो पहला फैक्टर है वो होता है आपका मार्केट एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है, देखो जो मार्केट होती है आपकी, जो प्रोसेस होता है एक बिजनेस को लॉन्च करने का, वो सबसे पहला ये होता है कि वो किस तरह की मार्केट में अपना बिजनेस करना चाहता है। ही विल डिटरमाइन द मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ही वॉन्ट टू प्रोड्यूस फॉर द प्रॉफिट मार्जिन अकॉर्डिंगली। मतलब सबसे पहला काम, ये मैंने आपको प्रमोटर के फंक्शंस में बताया था, जो प्रमोटर का होता है वो होता है आपका एक बिजनेस को स्टार्टअप करना, टू स्टार्टअप अ बिजनेस। और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इसके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, बिजनेस आइडिया। तो बिजनेस आइडिया जो इसके दिमाग में आएगा, वो बिजनेस आइडिया में सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, विच प्रोडक्ट यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस, और उस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या वैल्यू है, वॉट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। आपकी मार्केट में उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, मतलब आप जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हो क्या उसकी ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी बहुत कम वैल्यू है, सीजनल वैल्यू है, या जो आप अपना प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट सोच रहे हो ऐसा तो नहीं है उसमें ऑलरेडी इतनी सारी कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स है कि आप आ जाओ तो चलो ही ना। तो ये चीजें कंसिडर करनी होती है। इसके अलावा ये देखना होता है कि हाउ कैन यू सेल योर प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हो, किस वे में, किस मेथड को ऑप्ट करके आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। और फिर लास्ट पॉइंट होता है इसका, व्हाट प्रॉफिट मार्जिन यू मे गेट।
इसका मतलब होता है कि आप कितना अमाउंट का प्रॉफिट कमा सकते हो अपने उस बिजनेस को करने में। तो मार्केट एनालिसिस में जो एक प्रमोटर होता है वो इन फोर क्वेश्चंस का आंसर ढूंढता है। जिस मार्केट में उसे इन फोर क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है वो अपना बिजनेस उसी मार्केट में करता है। फिर जो आपका सेकेंड पॉइंट होता है मार्केट एनालिसिस के बाद, वो होता है आपका साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस में क्या होता है, आप किस साइज का बिजनेस अपना खोलना चाहते हो। तीन साइज के आपके बिजनेस होते हैं ना। फिर साइज ऑफ बिजनेस में आपके तीन टाइप के होते हैं ना, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल। तो जो एक पर्सन होता है वो ये सोचता है कि वो अपना किस स्केल का बिजनेस रन कर सकता है। देखो अगर उसके पास कम पैसा है, कम कैपिटल है, तो वो ऑफकोर्स स्मॉल स्केल का बिजनेस करेगा। अगर उसके पास एवरेज या मॉडरेट अमाउंट ऑफ कैपिटल है तो वो मीडियम स्केल का बिजनेस करेगा। और अगर उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल है तो वो लार्ज स्केल का बिजनेस करेगा। जिस अमाउंट का उसके पास पैसा, जिस अमाउंट का उसके पास मनी है या कैपिटल है, वो उसी अमाउंट का अपना बिजनेस के साइज को चूज करेगा, उसी अकॉर्डिंग अपने गुड्स को प्रोड्यूस करेगा और उसी अकॉर्डिंग अपने आगे के बिजनेस को रन करेगा। फिर जो आपका थर्ड पॉइंट होता है इसमें, वो आपका आ जाता है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। लर्नर्स मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो ये चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप है, आपके चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। अगर मैं आपके चैप्टर का ही नाम से देख लूँ तो आपके चैप्टर का नाम क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो इसमें भी आपकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। अब ये तो मैंने आपको अच्छे से अपने लेसन्स में बता ही दिया कि कितनी फॉर्म्स की ओनरशिप होती है, फाइव फॉर्म्स की ओनरशिप होती है या फाइव फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है आपकी। कौन कौन सी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी और कॉरपोरेटिव सोसाइटी। तो एक जो ओनर होता है या बिजनेस का आप कह सकते हो मालिक होता है या प्रमोटर होता है, उसका काम होता है इन पांचों फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से जो आपका साइज ऑफ बिजनेस है। देखो अगर आपका स्मॉल स्केल बिजनेस आप रन कर रहे हो तो आपके लिए स्मॉल स्केल में सोल प्रोप्राइटरशिप ठीक होता है या पार्टनरशिप ठीक होता है, दो पंडों की पार्टनरशिप में। अगर आप मीडियम स्केल सोच रहे हो तो आप कॉरपोरेटिव सोसाइटी सोच सकते हो या आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी सोच सकते हो। और अगर आप लार्ज स्केल का बिजनेस सोच रहे हो अपना तो आप कंपनी सोच सकते हो। तो मैं आपको लर्नर से एक बात बता दूं, ये सारे पॉइंट्स ना एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। इंटरलिंक्ड मतलब ये सारे एक पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर एक लर्नर, अगर एक मतलब अगर एक प्रमोटर या अगर एक बिजनेस पर्सन अपना कोई मेथड सोच रहा होता है ना चॉइस ऑफ फैक्टर्स, तो वो सारे फैक्टर्स को उसे अपने दिमाग में मद्देनजर रखने होते हैं जिससे वो अपने प्रॉफिट को हायर ले जाए। ये दिमाग वो ही लगा सकते हैं जो एक प्रमोटर हो, जो ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहा हो। सपोज करो अगर एक बंदा अपना प्रमोटर को नहीं अपॉइंट करता है या एक ऐसे स्पेसिफिक मेंबर को नहीं अपॉइंट करता है, तो क्या होगा अगर वो इन सारे फैक्टर्स को नहीं सोचेगा। चल मेरा मन में आ रहा है कि मैं क्लोथ्स की कंपनी खोलूं, मैं क्लोथ्स की खोल लेती हूँ, क्या होगा उसका, उसके साथ जितना भी उसका रिलेटेड प्रॉफिट है वो तो आएगा ही नहीं आएगा, प्लस जो उसका पहले का पैसा है वो भी डूब जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर्ड करना। फिर तीन पॉइंट तो आपको होपफुली सो लर्नर्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, मार्केट एनालिसिस, साइज ऑफ बिजनेस और चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, या हम कह सकते हैं चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट होता है वो होता है आपका लोकेशन ऑफ बिजनेस। क्या होता है, लोकेशन ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस की आपकी लोकेशन होती है ना लर्नर्स, वो आपकी यही नहीं होता कि बस आपको अच्छी से जगह मिली, जमीन मिली और आपने अपना बिजनेस स्टार्टअप कर लिया। लोकेशन बहुत चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं। वो कौन कौन सी चीजें होती है मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे आपकी ये लोकेशन है, अगर आपको एक बिजनेस की लोकेशन ढूंढनी है तो आप एक ऐसी लोकेशन ढूंढोगे जिस जगह की सबसे पहली बात तो लैंड आपकी बहुत अच्छी हो। अभी मैंने ये आपके 9th के लेक्चर्स स्टार्ट किए नहीं है, अभी मैं 11th 12th की करवा रही हूँ। जो बाद में 9th के मैं जब अपलोड करूंगी तो लैंड आपको पता होगा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, 11th ही 9th में आपने पढ़ा होगा।
उनमें से जो लैंड होता है वो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसपे मेन आपकी प्रोडक्शन एनालिसिस डिपेंडेंट होती है। तो सबसे पहले तो जो ये आपका लोकेशन ऑफ बिजनेस का पॉइंट है, उसमें पहला फैक्टर होता है इसका सब फैक्टर, ये खुद ही एक फैक्टर है, उसका सब फैक्टर होता है लैंड। जमीन आपकी इतनी अच्छी, कहते हैं ना उपजाऊ जमीन होनी चाहिए, माना ये एग्रीकल्चर नहीं है, बट ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करो, आप हर बिजनेस को अच्छे से कर सको। फिर जो नेक्स्ट इसका पॉइंट होता है वो होता है आपका रॉ मटेरियल्स। जहां पे आप अपने बिजनेस की आपके अपनी सेटअप कर रहे हो और जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका रॉ मटेरियल उस जगह पे अच्छे से इजिली अवेलेबल होना चाहिए, वरना अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो आप फिनिश प्रोडक्ट क्या बनाओगे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। फिर उसके बाद जो पॉइंट होता है वो होता है आपका लेबर्स। आपको जैसे पता होगा कि जो मेन आपके प्रोडक्शन में काम करते हैं वो लैंड के बाद आपके लेबर होते हैं। लेबर को अगर हम डिफाइन करें तो वो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल कैपिटल इन द बिजनेस। अब फिजिकल कैपिटल क्या हो गई? फिजिकल कैपिटल होती है आपकी, जैसे मैं अपना काम कर रही हूं पढ़ाने का, तो बीइंग अ फिजिकल पर्सन आई एम टीचिंग टू यू, तो इसमें मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ? मैं अपनी मेंटल स्किल्स को कन्वर्ट कर रही हूँ वाय द वे ऑफ टीचिंग टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर इम्पैक्ट इन स्टूडेंट्स। तो लेबर का भी काम क्या होता है? टू इम्पार्ट देयर फिजिकल एबिलिटीज इन द बिजनेस एंड टू प्रोड्यूस अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। होपफुली से लर्नर्स आपको समझ आ गया होगा। फिर लेबर्स के बाद जो थर्ड पॉइंट इन्हें कंसिडर करना होता है एक बिजनेस खोलने के लिए, वो होता है आपकी पावर। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे वैसे पावर मतलब ताकत होती है, राइट्स होते हैं, बट यहां पे पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है। आपका जो 9th का पहला चैप्टर था वो द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, ठीक है, हमने पढ़ा होगा। तो ये जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, इसमें क्या बात होती है? जो स्टोरी ऑफ विलेज में आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में थे, एक पालमपुर कोई असली का विलेज नहीं था, याद होगा आपको, ये एक इमेजिनरी विलेज था। ये कैसा विलेज था? जहां पे सारी ऐसी फैसिलिटीज उपलब्ध थी जो इसे विलेज से बढ़कर बनाती थी। और उसमें क्या फैसिलिटी थी? मेन थी उसमें इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इसका फर्स्ट पॉइंट आपने याद किया होगा, व्हाई पालमपुर इज कॉल्ड एज बेस्ट विलेज, इट इज कॉल्ड एज बेस्ट विलेज बिकॉज इट इज सरमाउंटेड बाय गुड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट था ना लर्नर्स, तो आपको ये याद होगा। तो पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी सब काम करने के लिए जरूरी होती है। आजकल के टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वर्ल्ड में आप मैनुअली तो कोई काम कर ही नहीं सकते, आप पावर के साथ ही सारे काम कर सकते हो। जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी आप अपनी मशीन चला सकते हो, तभी आप अपना कोई और प्रोडक्शन काम कर सकते हो। तो पावर और इलेक्ट्रिसिटी आपकी इतनी इंपॉर्टेंट होती है जिससे आप अपना सारा काम इजली, इफेक्टिवली, जल्दी से, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड से कर सकते हो। तो पावर वो कंसीडर करेगा। फिर पावर के बाद क्या कंसीडर करेगा? वो अपने ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है? देखो ट्रांसपोर्ट जब कहते हैं ना कि ट्रांसपोर्टेशन एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का जो लिंक होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्यों? अगर सपोज करो मैंने कोई भी चीज अगर बेंगलोर में प्रोड्यूस करी और अगर उसे जम्मू एंड कश्मीर में चाहिए, अगर मैंने कोई भी चीज बेंगलोर में प्रोड्यूस की और वो प्रोडक्ट मेरा जम्मू एंड कश्मीर में चाहिए, तो कैसे कोई बंदा पैदल जाके दे के आएगा उसे? मेरे पास इतने रिसोर्सेस होने चाहिए कि मैं अपना ट्रांसपोर्ट करके अपने गुड्स को यहां से यहां ट्रांसफर कर सकूं। तो उसके लिए मेरी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये फैक्टर्स कंसिडर्ड होता है आपके एक कंपनी को खोलने के लिए, एक बिजनेस को खोलने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग लर्नर जितना मैं डिटेल में समझाती हूँ उतना डिटेल में और कोई नहीं समझा सकता। फिर इसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट होता है इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या आता है?
आपकी जो फाइनेंस होती है यानी जो आपकी मनी होती है उसकी कंसीडर्ड करते हुए, उसको कंसीडर्ड करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। फाइनेंस किस किस तरह की हो सकती है? एक तो हो सकती है आपके एसेट्स के वे में, जो एसेट्स आपके दो टाइप के हो जाएंगे, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। ये दूसरे हो जाते हैं आपके डेब्ट के वे में, जो आप अपने रेस कर सकते हो, ये भी आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज हो जाती है। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है आपको कितना पैसा लगाना है, ये तो आपको खैर साइज ऑफ बिजनेस में पता चल जाएगा, फिर भी कितना पैसा लगाना है, कैसे लगाना है, और पैसा कहां से लेना है, लोन कहां से लेना है, SHF यानी शेयर होल्डर साइड से लेना है वाया द वे ऑफ शेयर्स, या अपने डेब्ट साइड बाय द वे ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटी या करेंट लाइबिलिटी में लेना है। डेब्ट साइड से लोगे तो उसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा, एसेट साइड से लोगे तो उसका इंटरेस्ट कम होगा। ये सारी प्लानिंग आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत आती है। फिर जो नेक्स्ट 6th पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है आपके फिजिकल फैसिलिटीज एंड मशीनरीज। फिजिकल फैसिलिटीज एंड मशीनरीज, आपकी कहते हैं कि जो मशीनरीज होती है और जो फिजिकल फैसिलिटी मतलब वर्कफोर्स, ये आपके जो बेसिक इनपुट्स होते हैं, ये ही आपके प्रोडक्शन को, यही आपके आउटपुट को अच्छा बनाते हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे फिजिकल फैसिलिटीज में आता क्या? तो फिजिकल फैसिलिटीज में आपकी लैंड आती है, बिल्डिंग आती है, और वो पर्टिकुलर आपकी मशीनरीज आती है जो आपके रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। आपकी मशीनरी आती है, ये तो आती है, लैंड आती है, बिल्डिंग आती है, और वो अदर इनपुट्स मेथड्स आते हैं जो आपकी मशीनरीज, जो आपके प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। फिर जो 7th पॉइंट होता है आपके कंसिडरेशन का, वो होता है आपके एम्प्लॉयमेंट। आप जहां पे अपना बिजनेस कर रहे हो वहां पे कितने वर्कफोर्स है, वर्किंग वर्कफोर्स, काम करने वाले कितने ऐसे लोग हैं। मैंने पहले भी ये बात आपको एक बार बता रखी है कि सिर्फ लोगों का होना ही सुटेबल नहीं होता, ऐसे लोग जो स्किल्ड हो, जो आपके बिजनेस को आगे ले जाएं, उनका होना जरूरी होता है। तो आपके बिजनेस करने की जगह में कितने स्किल्ड वर्कफोर्स है, इसे कंसीडर करना आपका एक फैक्टर होता है चॉइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ बिजनेस का। फिर जो 8th पॉइंट होता है वो होता है आपके टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग में क्या आ जाता है, आप कोई भी बिजनेस करो, इवन आप स्मॉल स्केल पे करो, आपको टैक्स तो पे करना पड़ता है। तो आपके जो कंपनी है, आप जहां पे अपना बिजनेस कर रहे हो, तो वो किस अमाउंट में आपके वैट होता है, वैट क्या होता है आपका वैल्यू एडेड टैक्स, किस अमाउंट का आपका वैल्यू एडेड टैक्स आपको पे करना होता है, किस अमाउंट का आपको सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है, किस अमाउंट का आपको इनकम टैक्स पे करना होता है, ये सारे किस अमाउंट में आपको पे करने होते हैं, कब करने होते हैं, हाउ मच और वेन, इनका आंसर आपके टैक्स प्लानिंग में होता है। फिर जो 9th पॉइंट होता है वो आपका होता है लास्ट लॉन्चिंग ऑफ बिजनेस। जब ये सारे फैक्टर्स, कौन से ये सारे, आप अपने तमाम फैक्टर्स को अपने मद्देनजर रखोगे, तो जब आप अपने बिजनेस को लॉन्च करोगे तो लॉन्चिंग के वक्त तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ जाती, ये देखना। एंटरप्रेनर को जब उसके पास सपोज करो ये सारे फैक्टर्स उसे मिल भी गए, एक ही जगह मिल गए जहां वो सोच रहा है, तो एक जो एंटरप्रेनर का काम होता है वो काम होता है उन्हें अरेंज करने का, इस वे में अरेंज करने का, एक सीक्वेंस में अरेंज करने का, किस किस को, सबको, प्लांट्स, मशीनरी, लेबर्स, लैंड, एम्प्लॉयमेंट, टैक्स प्लानिंग, मनी, इनको इस वे में अरेंज करना जिससे यू कैन एबल टू गेट सुटेबल रिटर्न्स, आप एक सुटेबल रिटर्न्स उससे कमा सको। ओके लर्नर्स, तो ये 9 फैक्टर्स होते हैं आपके जो आप कंसीडर करोगे अपने बिजनेस को रन करने के लिए। ओके लर्नर्स, तो आज यहाँ पे चैप्टर 2 इज फिनिश्ड बाय ऑल 8 लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स के साथ आपका चैप्टर 2 आज फिनिश हो चुका है। ओके लर्नर्स, आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर्स में आपने पढ़ा क्या क्या बेसिक फैक्टर्स होते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आपने ध्यान से देख लिया मार्केट एनालिसिस, साइज ऑफ बिजनेस, चॉइस ऑफ ओनरशिप, लोकेशन ऑफ बिजनेस के सब डिवाइडेड पार्ट, फिर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग, फिजिकल फैसिलिटीज एंड मशीनरी, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस,
टैक्स प्लानिंग और लॉन्चिंग ऑफ बिजनेस आपने समझ लिए डिटेल्ड में। तो लर्नर्स मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके बाहर कोई भी टॉपिक नहीं होता, आपने सारे टॉपिक्स इसे अच्छे से पढ़ लिए हैं। और अगर आपको कोई भी वर्ड में डाउट हो, मैं सेंटेंस या वो डेफिनेशन तो कह ही नहीं रही, किसी भी अगर आपको वर्ड में डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आज खत्म होता है, ना कि सिर्फ इसी वीडियो की, और भी आप अगर कभी बैठे पढ़ने के लिए और आपको किसी भी और वीडियो में कुछ डाउट हो तो आप मेरे किसी भी कमेंट सेक्शन में वीडियो के लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट के जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये है टीचिंग का कि मेरी नॉलेज सारे बच्चों तक पहुंच पाए, वाइड रेंज तक पहुंच पाए। तो आप इन्हें लर्न करिए, चैप्टर 2 के नोट्स बनाने शुरू हो जाइए। माना लॉकडाउन चल रहा है अब, लेकिन आपके पेपर्स बिल्कुल रहेंगे। और मैं ना कभी भी एक चीज को टारगेट नहीं मानती, अपनी 11th को अपना टारगेट मत मानो, टारगेट आगे का मानो, आपको आगे कुछ अच्छा बन के दिखाना है लाइफ में, तो आप इसे करिए। और कल मैं आपको इसकी समरी करवाऊंगी बहुत दोनों ढंग से, अपनी विजुअलाइजेशन वीडियो से भी और कन्वर्जिंग वीडियो से भी। चलिए लर्नर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन की मिस ना कर पाए, ना कि सिर्फ मेरी इस वीडियो को बल्कि अपने हर मेरी हर वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे ये मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके लर्नर्स, कल मैं आऊंगी आपके लिए नई नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें आपका पूरे चैप्टर 2 की समरी दोनों तरह से होगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।